मेमोरी हम लोगों को परेशान करती है, करती है कि नहीं? आपको कभी करती है मेमोरी परेशान? जब बुरी होती है, जब बुरी मेमोरी होती है तो उसको रोक पाते हैं? कभी कभी कभार। नॉर्मली अपनी लाइफ में मेमोरी को रोकने की कोशिश करते हैं? करते हैं तो रुकती है? जबरदस्ती करते हैं तब नहीं रुकती, और जब उसको छोड़ देते हैं तब नहीं रुकती। अच्छा, जिस समय अभी आप यहाँ बैठे हैं या घर पे जाएंगे या सुबह उठेंगे या किसी भी समय, मेमोरीज आपको परेशान करती हैं? करती हैं तो उसको रोकते हैं? नहीं रोकते। शायद इसलिए क्योंकि पता है रुकेंगी तो है नहीं, चलने दो। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे माइंड के अंदर में स्लो डोमेस्टिक वायलेंस चलता रहता है। डोमेस्टिक वायलेंस जानते हैं? नहीं पता? हम में से बहुत से लोग करते हैं, अपने घर में अपने से कमज़ोर के ऊपर हिंसा करना, और चूंकि घर के अंदर है बाहर किसी को पता चलता नहीं है, तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। जब मन के अंदर में कोई वायलेंस चलता है, शुरू शुरू में हम लोग रिवोल्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हार जाते हैं तब छोड़ देते हैं। मैंने इसलिए आपको पूछा मेमोरी के बारे में क्योंकि मुझे पता है हम में से ज़्यादातर लोग मेमोरी के वायलेंस को वायलेंस भी नहीं मानते। जैसे आसपास के घरों में चले जाएं तो घरों की औरतों के ऊपर या किसी के भी ऊपर, बच्चों के ऊपर अगर वायलेंस हो रहा है तो लोगों को पता भी नहीं कि वायलेंस हो रहा है। और मैं तो बात कर रहा हूँ मन के अंदर का वायलेंस, मेमोरी का वायलेंस। और ये एक ऐसा वायलेंस है जो हम खुद ही अपने ऊपर होने दे रहे हैं, हम कर भी नहीं रहे हैं, खाली होने दे रहे हैं। और बड़े मजाक की चीज़ बताऊँ, मेमोरी के अंदर में जान नहीं होती, अपनी खुद की जान नहीं होती। जान उसके अंदर होती है जो जिंदा रहे। लेकिन कोई पैरासाइट होता है, जानते हैं पैरासाइट? पैरासाइट वो होता है जो खुद कमज़ोर होता है बट किसी और के फूड पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों के बॉडी में पैरासाइट्स होते हैं, जुए हैं, जुए हमारे सर पे बैठ करके खून चूसते हैं। ऐसे ही हमारी मेमोरीज़ हम ही से ज़िंदगी लेती है। इस बात में कोई सच्चाई है? अगर जान नहीं है मेमोरीज़ में तो 2400 घंटे आ रही है कहाँ से आ रही है? उसके अंदर ताकत कहाँ से आ रही है? लोग परेशान रहते हैं ओवरथिंकिंग से, मेडिटेशन करते करते थक जाते हैं, लेकिन मेमोरीज की बाढ़ आती जाती है। अपनी लाइफ में जिस भी लेवल पे आप हैं, अगर उससे हायर कॉन्शियसनेस पे जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? हायर कॉन्शियसनेस पे जाना चाहते हैं, इसका मतलब मेमोरीज कम है। जिन ऋषियों को, जिन साधुओं को, जिन तपस्वियों को, जिन लोगों को कम मेमोरीज का चस्का लग जाता है, फिर वो सोसाइटी में रहते नहीं हैं। सबसे पहला काम तो करते हैं अपना घर बार ही छोड़ देते हैं अगर वो एनलाइटन नहीं हुए हैं, जैसे बुद्ध ने किया। दूसरा काम करते हैं कि वो ऐसे किसी जगह जाते हैं जहाँ पर कम से कम लोग हों, कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ों में, कहीं गुफाओं में। हमको और आपको लगेगा बाप रे बाप कितनी खतरनाक जगह रहते हैं लोग, लेकिन वहाँ पर क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको मेमोरीज़ का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। उनके लिए मेमोरीज़ ऐसे हैं जैसे हमारे और आपके लिए कहीं पर गंदी बदबू। एक बार आप साफ़ सुथरे घर में रह लें तो कहीं झोपड़पट्टी में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। माइंड के अंदर में मेमोरीज़ को, अनवांटेड मेमोरीज़ की बदबू को पहचानना जिनोगा में बहुत बहुत प्राइम, बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। और सेलेक्टिवली नहीं, ऐसा नहीं कि सर ये मज़ेदार मेमोरीज़ है, ये मेरी गर्लफ्रेंड की मेमोरी है, ये मेरी वाइफ की मेमोरी है, ना। सारी मेमोरीज़ बदबू हैं। अगर हम उसको परसीव नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब अभी हमारी आंखें बंद हैं, हमारा कान बंद है, हमारा दिमाग बंद है, क्योंकि मेमोरीज़ की अपनी खुद की लाइफ नहीं होती। मेरा एक सवाल है आपसे, खुद से भी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबसे, थॉट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय थॉट?
हम सब जानते हैं थॉट क्या होता है, एक सेंटेंस चला दिमाग में, या इसको ऐसे पूछना चाहिए, आप कब सोचते हैं, व्हेन डू यू थिंक। ये सवाल ऐसा है जैसे कि आपने नदी में हाथ डाला मछली पकड़ने के लिए, मछली बड़ी तेज़ होती है, वो पकड़ में नहीं आती हाथ से, आपके हाथ में पकड़ में नहीं आती, लेकिन जो लोग पता है मार्शल आर्ट्स के प्रैक्टिशनर्स मछली पकड़ने का प्रैक्टिस करते हैं, आजकल ये भी प्रैक्टिस कर रहे थे, वो चॉपस्टिक से मक्खी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, खाना खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। आप उतना आगे मत जाइए, मछली मत पकड़िए, अपने माइंड के अंदर में एक थॉट को पकड़ करके पूछिए कि मैं सोचता कब हूँ, या एक विचार किसकी ताकत से आता है। ये अगर किसी भी टाइम आपने 2 सेकंड के लिए पूछ लिया तो आप तुरंत 1 मीटर कॉन्शियसनेस ऊपर आ जाएगा आपका। कैसे पता चलेगा आपका कॉन्शियसनेस ऊपर आ गया? आप रिलैक्स हो जाएंगे। ये मैं हमेशा करता हूँ, जब भी कोई घटना मुझे ज़रा सा भी डिस्टर्ब करती है मैं तुरंत पूछता हूँ अपने आप से, क्या पूछता हूँ, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये कौन सा थॉट है। पता तो चल ही जाता है कौन सा थॉट है, वो तो पहले से पता है, लेकिन मैं उससे अलग हो जाता हूँ और उस थॉट का असर मेरे पर सडनली कम हो जाता है। अगर आप इस गेम को खेल सकें, कौन सा गेम, खाली बैठकर अपने आप से पूछना है, क्यों थॉट, कौन सा थॉट हो, कौन सा थॉट आ रहा है। मेमोरीज बाढ़ की तरह आते हैं, जब हम ई सेंटर में होते हैं, इमोशन में होते हैं, तो हमारी मेमोरीज इतनी स्ट्रांग होकर के आती हैं कि हम ये देख ही नहीं पाते हैं। देखने के लिए पता है क्या चाहिए, हम लोगों को मैट्रिक्स का नियो बनना होता है। मैट्रिक्स के नियो के साथ देखा था ना, जब गोली मारी थी उसको, तो उसने क्या किया, श करके हाथ खड़ा किया और सारी गोलियां रुक गईं। वो गोलियां नहीं रुकी, उसका माइंड इतना शांत हो गया, मतलब जब हमारा माइंड शांत हो जाता है तो हमारे थॉट्स की स्पीड स्लो हो जाती है। थॉट्स की स्पीड तभी फास्ट रहती है जब आप उनको सुनते हो और आप भी डिस्टर्ब रहें। जैसे ही आपने उन थॉट्स के चलते चलते में पूछना शुरू कर दिया, कौन सा थॉट है भाई तू, तो थॉट्स रुक जाते हैं।